ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, मैं अगेन आप लोगों से कहूँगी कि मार्केटिंग का फर्स्ट लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप मार्केटिंग की जो टर्म है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, एंड जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी, कुछ वर्ड्स बताए थे, मे बी इन स्लाइड 4 और 5, व्हाट इज मार्केटेड, एंड उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी थी उसकी इवेंट्स के बारे में और उसकी सैम्पसन्स हो, तो वो 10 वर्ड्स थे, 10 एक आप कह लें आप हाइडिंग्स थी। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि वो जो मार्केटिंग की फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस है ना, हम वो कह सकते हैं उनको ना, ठीक है, वो मैंने हाईलाइट नहीं किया। बेसिकली मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाह रही थी कि वो आप खुद करें, बट आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि अभी आपको मैं प्रॉपरली इलेबोरेट उस हिसाब से नहीं कर पा रही थी जैसे क्लास में कर पाती, तो आपकी आसानी के लिए मैंने उस तरह से कर दिया। लास्ट टाइम मैंने कहा था मैं एक असाइनमेंट दूंगी बट मैं नहीं दे पाई, इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको असाइनमेंट एक बताऊंगी, प्रॉपर इलेबोरेट करके बताऊंगी कि किस तरह से हमने सब्जेक्ट को लेके चलना है, ठीक है? ओके, लास्ट टाइम हमने जहाँ पे लेक्चर को छोड़ा था, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से, दूसरा ये है कि जितना भी लेक्चर लेंथी होगा उतनी आप लोगों के लिए सुनने में बोरियत होगी। क्लास में होते हैं ना तो एक्टिव कर लिया जाता है किसी ना किसी तरीके से, मतलब अगर 1.5 घंटे का भी लेक्चर है तो बड़े आप फनी तरीके से बड़े इंजॉय करके पढ़ रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप एक्टिव रहते हैं क्लास में, टीचर से इंटरेक्शन रहती है आपकी। लेकिन अब ऑनलाइन आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं ना लेक्चर्स में, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मटेरियल प्रोवाइड किया जाए और आप बोर भी ना हो, ठीक है? सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को, ठीक है? अब सेकंड लेक्चर हमने जो लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर छोड़ा था वो स्टार्ट था, मैं अभी आपको नेक्स्ट मंडे बताती हूँ, ठीक है? था कोर कंसेप्ट्स, मार्केटिंग के कोर कंसेप्ट्स, ये मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, लेंथी थे काफी जिसकी वजह से मैंने स्किप करवा दिए थे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको वन बाय वन बहुत डिटेल से बताऊंगी इनको, ठीक है? कोर कंसेप्ट बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं कि मार्केटिंग कहाँ से निकला, ठीक है, वजह क्या थी मार्केटिंग करने की, ठीक है? ये बेसिकली 9 जो है ना ये पॉइंट्स हैं। अब मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन पे है नीड्स वांट्स एंड डिमांड, ठीक है, नीड्स वांट्स एंड डिमांड। अच्छा जी, नीड्स बेसिकली है कि फेल्ट डेप्रिवेशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिकल नीड्स ऑफ फूड, सोशल नीड फॉर बिलोंगिंग, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस, जैसे क्या है आई एम थर्स्टी, ठीक है। नीड्स का मतलब क्या है, जरूरत, आपकी जरूरत क्या है, ठीक है। जैसे कंपेयर कर लें हम लोग एवरेज फैमिलीज में, पुअर फैमिलीज में और हायर फैमिलीज में, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको एक दफा एग्जांपल में किया था, तो क्या होता है कि पुअर जो फैमिलीज होती हैं उनकी जरूरियात जिंदगी होती है कि 3 टाइम उनको खाना मिल जाए, जैसे कि आजकल के हालात जा रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया 4,000-3,000 पर मंथ मिलेगा, लेकिन उससे वो बमुश्किल अपना खाना, मतलब राशन वगैरह वो जो दे रहे हैं उनसे बमुश्किल अपना वो पेट भर सकते हैं, जबकि जो लोग डेली बेसिस पे दिहाड़ियां लगाते थे अपने, मतलब घर उनके रेंट पे थे, चले बिजली का और गैस का भी उन्होंने किसी हद तक ठीक कर दिया, तो क्या हुआ कि मतलब वो अपने घर का रेंट तो नहीं दे सकते ना, खा तो वो सकते हैं। बेसिक नीड क्या होती है, आप अक्सर आपने वो 3 सुना होगा, घर, खाना, मतलब जो वो रोटी कपड़ा और मकान, जैसे वो बेनज़ीर भुट्टो का था वो एक लोगो था, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिकली देखा जाए तो ये जो बेसिक है ये 3 नेसेसिटीज या नीड्स है, नीड्स ऑफ लाइफ है, ठीक है, चाहे वो पुअर है, एवरेज है या मतलब हाई स्टैंडर्ड फैमिलीज है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए ये नीड्स में शामिल है, नीड्स जिनकी जरूरत है, जिनके बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, तो मुझे जरूरत है पानी की, ठीक है, ये मेरी जरूरत है। अगर मुझे उस टाइम पे पानी नहीं मिलेगा या मुझे उस टाइम पे क्या पानी नहीं मिलेगा तो मेरे लिए सर्वाइवर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक मैंने बेस्ट एग्जांपल आगे दी है वो यहाँ पे, ये देखें कि फॉर एग्जांपल आपको अपने ऑफिस के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, पब्लिक आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपने ऑफिस जाना है। अच्छा, आप रोड पे खड़े होते जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे होते, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, आपकी जरूरत है, आप ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगी तो फिर आप ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो, मतलब जो आपका ऑफिस से घर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर का है, तो आप पैदल तो नहीं जा सकते, वॉकिंग डिस्टेंस वॉकिंग पे तो नहीं जा सकते वॉक करते हुए। सो बेसिकली आप इस यहाँ पे नीड्स कहने का मतलब यही है कि जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आजकल देखा जाए तो हमने तो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मतलब वो कर लिया हुआ है, जैसे 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 एक मतलब कहावत है ना, जैसे जैसे जितना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की सैलरी हो 10,000, तो आप उसमें बड़ा अच्छे से गुजारा करते हैं, कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ा अच्छा हो गया। और जैसे ही आपके फादर की सैलरी 20,000 होती है, आपकी फरमाइशें बढ़ जाती हैं, फिर 30,000 बढ़ जाती है। इस तरह से जैसे जैसे मतलब आपकी जो जो भी घर का सरबराह हो, भाई हैं या आपके फादर हैं, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज होता जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप कहते हैं कि हमारी जरूरत है, ठीक है, बट बेसिकली वो साथ साथ ऐड होती जाती है, आपकी वांट्स एंड डिमांड्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। सो बेसिकली बताने का मकसद यही है, नीड का मतलब जरूरत, वो चीज जो आपकी जरूरत में हो, उसके बगैर गुजारा नहीं है आपको करना, ठीक है। फिर पीछे आते हैं हम, उसके बाद है वांट्स, ठीक है। फॉर्म दैट अ ह्यूमन नीड टेक्स एज शेप बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आई वॉन्ट अ कोका कोला, कल्चर एक ट्रेंड बन गया है ना क्या। अब पहले ये होता था जो हमसे बड़े लोग होते थे, ट्रेंड को हाँ वो क्या करते थे, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ, चाय की पत्ती की, ठीक है। वो क्या होता था कि वो एक दरख्त होता था, उनके पत्तों को लेते थे, खुश करते थे, फिर उनको मतलब मैश करके, या ग्राइंड, ग्राइंड तो नहीं होता था वो पत्थरों के साथ, वो कूट के, तो फिर वो उसे चाय बना के, तो इस तरह से कहवा सा बना के, या खाली पत्तों को सुखा के, तो उनका कहवा बनाते थे और फिर उनसे चाय पीते थे। ऐसा ऐसा जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हुई ना, तो लाहौर की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखा जाए, मैं आपको थोड़ा इंटरलिंक करूंगी एग्जाम्पल्स के लिए, कि जब स्टार्ट हुआ हमारा जो बेसिकली स्टार्ट हुआ जो पाकिस्तान ये बना हमारा पाकिस्तान, तो लाहौर में जब पार्टीशन होना स्टार्ट हुई थी, या अंग्रेजों मतलब हुकूमत खत्म होना शुरू हुई थी, जो हिंदू थे या अंग्रेज जो भी हमारे पाकिस्तान में रह रहे थे वो यहाँ से चले गए माइनॉरिटी के बेस पे, तो सबसे पहले जो अंग्रेज होते थे ना, उन्होंने ना लोगों को अपनी मतलब लिप्टन चाय जो हम लोग अक्सर पी रहे होते हैं, ठीक है, अपनी पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ना मतलब लास्ट टाइम आपको पता होगा थर्मस चाय वाले जो होते हैं उनके अंदर उन्होंने चाय बना के तो वो देना स्टार्ट कर दी, ठीक है, घर घर जाके ना एक एक कप दो दो कप बड़े मजे की चाय। तो जैसे हमारे जो एजड लोग होते हैं उनको बहुत पसंद है, पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है ये, ट्रेंडिंग पे है चाय, तो वो क्या उनको एक उन्होंने उनको आदी बनाना शुरू कर दिया। तो फिर जब भी उन्होंने आना करना तो वो चाय नहीं देते थे, लिप्टन चाय नहीं देते थे, वो पहले लोगों को आदी बना रहे थे, ठीक है, अपना बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आजकल की स्कीमिंग हम लोग एडवर्टाइज मार्केटिंग कर रहे होते हैं, घर घर आके शैम्पू दे रहे होते हैं, आप एक ले लें एक के बदले एक फ्री आपको मिलता है, ठीक है, ये मार्केटिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है। मैं वो कोशिश कर रही हूँ एग्जाम्पल देने की जो सबकी समझ में आ सके, ठीक है। अच्छा, तो वो क्या हुआ कि हमारे जो एजेड लोग जितने भी होते थे, अम्मियाँ होंगी, दादियाँ, नानियाँ, कुछ भी होंगे, मतलब जो भी आपके एजेंट हैं, आपके फादर माशाल्लाह से अभी तो बिल्कुल यंग होंगे, बहुत उन्हीं बहुत छोटे होंगे, आपकी दादी नानी की बात कर लें अगर हम लोग, तो वो क्या करते थे कि वो फिर स्पेशल देख के लेते थे कि कब वो आएंगे हम लोग को चाहिए, इस तरह से ना मतलब फिर वो इंट्रोड्यूस उन्होंने करा, जब देखा उन्होंने कि लोग बहुत पसंद करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने आस्ता आस्ता अपनी मतलब वो लिप्टन चाय को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। सो बेसिकली फिर लोग चाहना शुरू हो गए, वांट्स उनकी इंक्रीज हो गई। पहले वो क्या वो पत्तों को खुश करते थे, कहवा बना लिया और मतलब इस तरह से जो है ना वो कर लिया, खाली दूध पी लिया, मतलब ये चाय का कंसेप्ट नहीं होता कि चाय इस तरह से बना ली जाए, कहवा अलग पी लिया, दूध अलग पी लिया, इस तरह से ना फिर लोगों की वांट्स चेंज होने शुरू हो गई जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। पहले क्या होता था, सिंपल कोका कोला का नाम पहले क्या था, ठीक है, मतलब इस तरह से पहले मतलब एक ही कंपनी थी ब्रिवरेज जिसकी ना, फिर अलग 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 मतलब नाम के साथ चेंजिंग्स उसमें ना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल सोप जो हम लोग मुख्तलिफ किस्म के यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली मटेरियल तो एक ही यूज होता है उनके अंदर, ठीक है, देखा जाए तो मटेरियल एक ही होता है, फ्लेवर उनमें चेंज कर देते होते हैं, नेम चेंज किया और जो है ना इंग्रेडिएंट को एक आध फर्क इंग्रेडिएंट का होता होगा, ठीक है, क्योंकि साबुन को सोप को बनाने का फार्मूला तो एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं भी हमें तो लाइफ बॉय चाहिए, नहीं भी हमें सेफ गार्ड चाहिए, नहीं भी हमें तो लक्स चाहिए, ठीक है, डेटोल चाहिए, इस तरह से हमारी प्रायोरिटीज हमारी बॉन्ड्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सेम अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड्स
मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहता हूँ, मुझे कोको कोला चाहिए, ठीक है, वांट्स चेंज होगी ना, पहले क्या थी और अब क्या थी। डिमांड में भी इसी तरह से फर्क हो, डिमांड का मतलब होता है जब आपके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स आ गई हैं, ठीक है, बाइंग पावर, मतलब मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं गई हूँ, तो मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं जो चीज़ चाहूंगी मैं डिमांड करूंगी वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ह्यूमन वांट्स बैक बाय बाइंग पावर, ठीक है। आई हैव मनी टू बाय अ कोको कोला, ठीक है। आप शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं मुझे कोको कोला चाहिए, शॉपकीपर कहता है आपके पास इतने पैसे हैं ये ले लें आप, ये जरा नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल प्राइस में, नहीं, आई वॉन्ट, आई हैव अ मनी टू बाय अ कोको कोला, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस द डिफरेंस बिटवीन नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स, ठीक है। ये फर्स्ट कोर कंसेप्ट है मार्केटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, जैसे आपको कहा अगर आप कहते हैं कि आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए तो नीड होगी आपकी, लेकिन आप कहते हैं कि मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि मैं मर्सिडीज कार पे जाऊँ, ख्वाहिशात बढ़ गई ना आपकी, ठीक है, वो तो बढ़ती रहती है, ठीक है। अच्छा, वो आपके ख्वाहिश में आया, फिर आप सोचेंगे, जब अक्सर ये होता है ना कि जो कोई भी चीज़ अगर आप आइडिया लगाते हो, माइंड में सोचते हो, तो फिर आप कहते हो आपने ऐसे करना है, तब आप कर सकते हो कि जब आपके हैंड में कुछ हो, आपको नजर आ रहा हो कि आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं, इतनी सेविंग कर सकते हैं, आपका फ्यूचर प्लान ये है। फॉर एग्जाम्पल, एक जॉब होल्डर पर्सन है, वो क्या करता है, अच्छा वो करता है कि मैंने इस सर्किट में घर को मैनेज करना है, मैंने ये चीज़ें भी मैनेज करनी है, मैंने इस मंथ में एक ये कुछ स्पेशल चीज़ लेनी है, तो मुझे उसके लिए सेविंग की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक वही जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको, वो डेली रूटीन ऑफिस जो लोकल रूट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ऑफिस आता है, ठीक है। अब वो मंथ के एंड पे, डेली मंथ के एंड पे कुछ सेविंग कर रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो मर्सिडीज कार ले, ठीक है, उस पे जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी उसकी वॉन्ट्स, ठीक है। लेकिन जब जब उसने फिर दोबारा उसके पास पेमेंट इतनी आ गई, वो जाता है, जा कहता है आई हैव अ बाइंग पावर टू बाय अ मर्सिडीज कार, तो ये क्या हो गई उसकी डिमांड, ये उसकी डिमांड है, ठीक है। डिफरेंस का समझ आ गई, होप सो आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गया। ओके बच्चे, इसके अलावा नीचे मैंने जो पॉइंट स्लाइड्स नीचे गिवन दिए हुए, कुछ राइटअप किया हुआ है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मजीद मतलब ये है कि अगर आप उसको लिखना चाहें या समझना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? ओके, नेक्स्ट जो हमने जो कोर कंसेप्ट था वो था सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंटेशन। सेगमेंट, सेगमेंटेशन का जो वर्ड है सेगमेंट से निकला है, सेगमेंट मीन्स अलग अलग, पार्टीशन कर देना, मार्केटिंग, मार्केट टारगेटिंग, ठीक है, मतलब जब पार्टीशन कर लिया ना, ये एवरेज फैमिलीज के लिए है, ये बिलो एवरेज फैमिलीज के लिए है, ये हायर फैमिलीज के लिए, तो क्या कर लिया आपने, फिर टारगेट करना है उस हिसाब से कस्टमर्स को कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, सेम एज इट इज एवरेज की और सेम एज इट इज बिलो एवरेज की। फिर आपने पोजिशनिंग अरेंज कर देना है उस हिसाब से, ठीक है, कि किस हिसाब से लोग क्या चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। आपने पोजिशनिंग कर दी, मतलब चीज़ को उसकी एक्यूरेट जगह पे रख दिया, हाई लेवल, एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। ओके, पहले मैं नीचे आपको मतलब बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, पहले सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब मैंने आपको कहा था, डिवीजन करते, डिवाइड अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर हु हैव डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर एंड हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्रोग्राम्स। जैसे कि देखिए, हमारे यहाँ बाजार मुख्तलिफ किस्म से उनकी डिवीजन कर दी जाती है, ठीक है, जैसे शालमी, ठीक है, शेरा वाली बाजार हो गया, इचरे हो गया, आज हम मार्केट वाली साइड पे हम लोग अंदर एंटर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग, अब ये तो एवरेज में चल जाते हैं, बिलो तक तक जो हमारे मतलब है, या एवरेज में जैसे हम लोग हैं, ठीक है, मीन्स टू से हम लोगों की बाइंग पावर इतनी होती है, हम इजिली इनको असेस कर सकते हैं। अब जो हायर तबका होता है उनके लिए मॉल्स बना दिए हैं, जैसे एम्पोरियम हो गया, पैकेजेस मॉल हो गया, फोर्ट्रेस हो गया। अब क्या हो गया कि जो चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी मतलब चीज़ की कोई एग्जांपल लें, तो हमें अगर यहाँ पे 250 की मिल रही है तो वो हमें वहाँ पर 500 की मिल रही है, ठीक है। सेकेंड, ये कॉस्टली हमें लगेगी, हमें आदत नहीं होगी उस तरह से ना। देखा जाए तो बेशक जो लोग हैं वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, ब्रांड कॉन्शियस होना बहुत अच्छी बात है, बट क्या होता है, ब्रांड कॉन्शियस के चक्कर में हम अपने नॉर्म्स और वैल्यूज को भूल जाते हैं, ठीक है। मींस के नो डाउट कि जैसे जैसे हमारी हमारी सैलरी इंक्रीज होती है, हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, हमारी बाइंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है, हमारी वांट्स एंड नीड्स भी इंक्रीज होती हैं, बट ये है कि हमें स्मूथ स्मूथ एंड स्टेडली चलना चाहिए। अक्सर प्रोड्यूस किया जाता है कि सब कुछ साथ साथ लेके चलना चाहिए। अक्सर ये होता है कुछ लोगों को थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट होती है, या मतलब जैसी उनकी सैलरी अप होती है
उनमें उनका लहजा तब्दील होना शुरू हो जाता है, उनका जब लाइफ स्टाइल तब्दील होता है ना तो वो उनका लहजा भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अक्सर लोग कहते हैं पॉलिटिशियन, जैसे पॉलिटिशियन का एक वर्ड होता है कि मैं जब मुझे जब ये कुर्सी मिलेगी तो मैं ये करूँगा तो मैं वो करूँगा, बट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही बंदा कुर्सी पे आके बैठता है नथिंग टू डू, वो भी वैसे का वैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलें बात कहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई, सेगमेंटेशन का मतलब है कि डिवीजन कर देना, समझ आ गई होगी होप सो आपको। अच्छा उसके बाद है मार्केट टारगेटिंग। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, बनाने के बाद आप देखेंगे इसकी ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे है, एवरेज में, बिलो एवरेज या हायर में। अगर तो मैं इसको बिलो एवरेज में रखती हूँ तो मुझे उसकी प्राइस एंड कॉस्ट उस हिसाब से चीपर करनी चाहिए। क्या मतलब इसकी, मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देखती हूँ कि हम लोग अक्सर फीस सेंटर चले जाओ मोबाइल्स के लिए या हम लोग जो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज के लिए जाते हैं लैपटॉप्स वगैरह के लिए, तो क्या होता है अक्सर मोबाइल आईफोन जैसे हम यूज़ कर रहे हैं उसका चाइना वर्जन भी आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर कि आप देखा जाए तो हाँ पाकिस्तान यहाँ से जाते हैं वहाँ से जाके चाइना से उसका फर्स्ट वर्जन लेते हैं, बट बेसिकली वो फर्स्ट वर्जन ही लेते हैं, चाइना के स्ट्रेटजीज क्या है जिसकी वजह से वो इतना डेवलप हुआ है। अच्छा जब वो वहाँ पे कोई जाता है उनसे फर्स्ट वर्जन कहता है जी, अगर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ 60,000 का, ठीक है, जबकि है नहीं ऐसे। ओके मैं आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रही हूँ आसान अल्फाज में। फॉर एग्जाम्पल 60,000 का हो और आपसे कहा जाए आप चाइना के एक और कस्टमर आया है, होलसेलर डीलर आया है जो चाइना कंपनीज के पास जाता है, जाके कहता है मुझे आईफोन का फर्स्ट वर्जन चाहिए, ठीक है ना। जैसे रेप्लिकास होती है कॉपीज, ड्रेसिंग में भी हम लोग देखें फर्स्ट रेप्लिका, सेकंड रेप्लिका, थर्ड, ए बी सी डी कैटेगरीज बनाई होती है, थर्ड मतलब डिफरेंस होता है, डिजाइन में भी चेंजिंग्स आ जाती है, कपड़े में बहुत फर्क आ जाता है लो से लो क्वालिटी का। इसी तरह चाइनीज कर रहे होते हैं बेसिकली। वो क्या करते हैं वो कस्टमर को वापस नहीं जाने देते, वो क्या करते हैं एक पर्सन आया वो कहेगा मुझे आप ना 50,000 के अंदर ना बना के दें, उनकी जो फर्स्ट कॉपी जो उन्होंने तैयार की वो हूबहू आईफोन की तरह की थी, वो क्या करेंगे 50 में का उनको इनकार नहीं करेंगे, वो तो थोड़ा मटेरियल उस हिसाब से यूज करके 50 का दे देंगे। पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानियों के बारे में क्यों मशहूर है, चाइनीज प्रोडक्ट को इतना डिसलाइक क्यों किया जाता है पाकिस्तान में, वजह ये नहीं होती चाइनीज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, फर्क कहाँ पे आ जाता है। पाकिस्तानी जाते हैं उनसे जाके कहते हैं हमें आप 20,000 में आईफोन दे दें, ठीक है, वहां से वो इम्पोर्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल 10,000 उनका ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ड्यूटीज वगैरह का लग जाता होगा, यहाँ पे आके वो 60,000 50,000 का सेल कर रहे हैं। तो ये जो बेईमानी जो पाकिस्तानी करते हैं ना, ये जो है ना ये इशू क्रिएट करती है और हम लोगों के माइंड में इमेज बन जाता है कि चाइनीज जो है ना वो मतलब सही नहीं कर रहे। तो बेसिकली मेरे बताने का आपको मकसद ये था मार्केट टारगेटिंग, टारगेट किस मार्केट को करना है, ठीक है, इसमें हम बेसिकली ये बता रहे होते हैं, वो सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है पोजिशनिंग, तो रखना किस जगह पे इसको, पिक्चर में रखना है, फोर्ट्रेस में रखना है, पैकेजेस में रखना है, आपने किस मार्केट को टारगेट करना है। पोजिशनिंग इज अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाइंग अ क्लियर डिस्टिंक्ट एंड डिजायरेबल प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड हो उसकी रिलेटिव टू कम्पीटिंग प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर। तब वहाँ भी आप देखें कि जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि एक चीज़ वहाँ पे सेम एज इट इज़ ये अल्टरनेट उसकी पड़ी हुई है वो 50 की मिल रही है, अगर मुझे उस मार्केट को टारगेट करना है, पोजिशनिंग वहाँ पे करनी है इस प्रोडक्ट की, तो मुझे इसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी मतलब यूज करूँ तो मैं उस मार्केट में उसको रख सकूँ प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे 50 की है, आप चाहते हैं कि 50 में आपकी कॉस्ट आपको आप उसी तरह से चाइना कर रहे हैं हम लो क्वालिटी थोड़ी ऐड करके सेम उस तरह की चीज़ें ला के तो हम मार्केट में रख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है तो आप 40 की जब सेल करेंगे तो 40 के भी जो वहाँ के कस्टमर होंगे हाथों हाथ ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी ओके समझ आ गई हो आपको, वो आप सब क्लियर हो गई होगी। अब नीचे वाली चीज़ आप पढ़ेंगे खुद इंशाल्लाह और फिर मुझे बताएंगे आप लोग अपनी क्वेश्चनिंग के साथ, अपने ऑडियो मैसेजेस के साथ, आपके शेयर से इंशाल्लाह मैं कनेक्ट कर लूँगी एक या दो दिनों में, और फिर इंशाल्लाह आपसे जो भी बात होगी आपके ग्रुप के थ्रू भी होगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट है ऑफरिंग एंड ब्रांड्स। ऑफरिंग एंड ब्रांड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑफरिंग देखा जाए तो जो ब्रांड्स है ना वो हमें नज़र नहीं आता, ब्रांड्स बेसिकली इंटेंजिबल थिंग्स हैं। इंटेंजिबल थिंग्स का मतलब है ऑफरिंग एंड ब्रांड्स का मतलब है कि आपको जो चीज़ ऑफर की जा रही है क्या वो कोई ब्रांड है,
आप जो पेमेंट करेंगे उसको, मतलब एक चीज की पेमेंट, फॉर एग्जांपल वही आप ड्रेस किसी और मार्केट से ले रहे हो, तो आपको अगर 20 या 2,000 का मिल रहा है, जब ब्रांड उसके ऊपर एक टैग लग जाएगा, तो वही ड्रेस आपको 4,000 का मिल रहा होगा, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि जो ब्रांड है ना, बेसिकली इंटेंजिबल, हमें नजर नहीं आता, लेकिन टैग है, उसका एक नाम है, वो टैग जो होता है ना, वही काफी होता है उसके प्राइस को अप करने के लिए, ठीक है। कंपनीज एड्रेस कस्टमर नीड्स बाय पुटिंग फोर्थ अ वैल्यू प्रपोजिशन। उसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू बेसिकली कपड़े की नहीं होती, कपड़ा नो डाउट एज कम्पेयर लोकल कपड़ा अच्छा होता है, बट जो वैल्यू होती है वो उसकी ब्रांड की होती है। जितना ब्रांड पॉपुलर होगा उतनी उसकी प्राइस अप होगी। जैसे कि सना सफीनस फीमेल्स ब्रांड है, अब यहाँ पे बॉय स्टूडेंट्स भी होंगे तो बॉय स्टूडेंट्स का मैं, अब मुझे ब्रांडिंग का नेम जितना आइडिया बता देती हूँ, गुल अहमद है, जैसे जैसे दीवान वाले हैं, जैसे जे डॉट वाले हैं। तो अब जे डॉट देखा जाए तो मुझे नहीं उसका मतलब इतना कपड़ा बॉयज के हिसाब से अच्छा लगा, बट उसका एक नेम है ब्रांड का, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सेल होता है, लोग बहुत उसको लाइक कर रहे होते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग माइनर से चेंज होती है, बट क्वालिटी ऑफ क्लॉथ है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक। सो बेसिकली जो ब्रांड है वो क्या है कि वो वैल्यू प्रपोजिशन है, इंटेंजिबल प्रपोजिशन, इंटेंजिबल थिंग्स, इंटेंजिबल आइटम है, ठीक है। सेट ऑफ बेनिफिट्स दैट सेटिस्फाई दोस नीड्स। कुछ लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं कि वही चीज जब आपको लोकल मार्केट में मिल रही होती है, तो वो अगर वो सस्ती भी मिल रही है ना, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जरूर इसमें कोई फॉल्ट होगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। वो हमेशा ब्रांड कॉन्शियस, वो ऑटोमेटिकली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं हर चीज के मामले में, जबकि एक जो ह्यूमन बींग है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, हर किस्म की चीज में। लेकिन जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स हैं लाइक मी, कुछ भी कहीं से पसंद आ जाए, आपको पसंद आने की बात होती है, ब्रांड मैटर नहीं करता। ब्रांड मैटर करता है वहां पे जब आपको कोई चीज पसंद आ जाए वहां से, ठीक है। जब आप, इट डजेंट मीन टू से कि मैं इस चीज पे लाइक करूंगी कि आई हैव अ डिमांड, मेरे पास बाइंग पावर है, तो मैं ब्रांड ही परचेज करूंगी, नथिंग। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, होप सो मैं आप कोशिश कर रही हूँ आज बोर ना हो मेरे लेक्चर से, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे के। बॉयज का मुझे अभी भी आइडिया नहीं है, बट होप सो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। इंजॉय से बड़े रिलैक्स रिलैक्स होके, इजिएस्ट होके सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, बड़ा मजा आएगा फिर आपको पढ़ने का मार्केटिंग में, ठीक है। ओके, द इंटेंजिबल वैल्यू प्रपोजिशन इज मेड फिजिकल बाय एन ऑफरिंग विच कैन बी कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अ ब्रांड इज एन ऑफरिंग फ्रॉम अ नॉन सोर्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको ऑफरिंग की जा रही है किसी ब्रांड की, तो वो ब्रांड आपके लिए फिमिलर होता है, फिमिलर होना चाहिए उसको। अ ब्रांड नेम सच एज मैकडोनल्ड्स, एक लोकल आपके पास एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अच्छा, तो आपको फॉर एग्जाम्पल मैं ZSE मतलब बता रही हूँ, हमारे इस एरिया में ही है, तो आपसे मैं कहती हूँ कि आप वहाँ की प्रॉब्लम होंगे, कुछ स्टूडेंट्स तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे पता नहीं कैसा होगा, मजे का होगा नहीं होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैकडोनल्ड कभी खाया भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ने खाया होगा, लेकिन जैसे ही हम टास्क करेंगे कि हम कहेंगे कुछ मंगवाया जाए, तो अगर हाफ क्लास ने कह दिया मैकडोनल्ड्स, तो हाफ ने कभी भी नहीं खाया हुआ मैकडोनल्ड्स को, टेस्ट नहीं किया हुआ, डजेंट मीन खाया नहीं हुआ, डजेंट इट मीन्स कि कभी भी टेस्ट नहीं किया हुआ, तो वो भी कहेंगे हम भी प्रेफर करेंगे मैकडोनल्ड को। क्यों? उसके ब्रांडिंग की वजह से, उसके नेम की वजह से, ठीक है। आपको ट्रस्ट, मतलब इन्होंने एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ही इस तरह से की होती है कि आपका ट्रस्ट बिल्ट अप हो जाता है। इन शॉर्ट हम लोग देखा जाए तो ये लूट रहे होते हैं हम, जितना ये लूट सकते हैं ये डबल लूट रहे होते हैं, ठीक है। बैक एंड पिन का बंदा बैकग्राउंड देखे तो बंदा देख के एक दफा दोबारा खाने को दिल ना करे इनका, ठीक है। ओके, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। वैल्यू बेसिकली, वैल्यू का मतलब ही क्या है, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी प्राइस एंड सर्विसेज, प्राइस क्वालिटी एंड सर्विसेज। अगर ये तीन चीजें किसी भी आइटम के अंदर होंगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी होगी और कस्टमर सेटिस्फाइड भी होगा, ठीक है। वैल्यू क्या है? सेंटर मार्केटिंग कंसेप्ट इज प्राइमरी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी सर्विस एंड प्राइस कॉल द कस्टमर वैल्यू ड्राइव। सेटिस्फेक्शंस क्या है? रिफ्लेक्ट पर्सन जजमेंट ऑफ प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस इन रिलेशनशिप ऑफ टू एक्सपेक्टेशंस, कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि डिमांड जो कस्टमर है वो तो ये डिमांड करता है ना कि कम पैसों में अच्छी चीज मिल जाए, ठीक है, और सर्विसेज भी उसकी अच्छी हो,
क्या मतलब सर्विसेज? सर्विसेज से मुराद किसी शॉपिंग मॉल में आप लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, जो ब्रांड क्वेश्चंस हैं वो प्राइस को मैटर नहीं करते हैं, ठीक है? वो कहते हैं प्राइस भी हाई होती है तो वो क्वालिटी भी अच्छी मिले और सर्विसेज भी अच्छी मिले। सर्विसेज मीन्स जो आप वहाँ पे लोकल में, मतलब जो भी आप जाते हैं आपके आगे पीछे, मैम आप, मैम ये देख रहे हैं, मैम आपको ये सूट कर रहा है, अब ये वो बेसिकली क्या कर रहे हो, तो वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कस्टमर के माइंड को कैप्चर कर रहे होते हैं। हम किसी शॉप पे जाएं तो क्या करते हैं, शॉपकीपर, शॉपकीपर कहते हैं आपने बहुत सूट करा है, चाहे वो सूट कर ही ना रहा हो, ठीक है ना? वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, वैल्यू सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड कर, मतलब बेसिक मार्केटिंग है यही कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दें कि वो चीज़ परचेज कर ले, ठीक है? नीचे हम लिखा हुआ है, नीचे मैंने कुछ इसकी आपको डिटेल बता दी हुई है। अच्छा, द बायर चूजेज द ऑफरिंग ही और शी परसीव टू डिलीवर द मोस्ट वैल्यू, ठीक है? द सम ऑफ द टेंजिबल इनटेंजिबल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू हर, उसके कुछ टेंजिबल बेनिफिट, टेंजिबल टेंजिबल मीन्स के आपके हैंड में हो, नजर आने वाले हो, मतलब अगर आपने क्लोथिंग परचेज किया तो आपके हैंड में, आप टेंजिबल फॉर्म में आपके पास क्लॉथ है, ठीक है? इनटेंजिबल फॉर्म में आपने ब्रांड का क्लॉथ खरीदा है, ठीक है? इस तरह से, और उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट हो, ठीक है? इसकी कॉस्ट इनटेंजिबल की। ओके, वैल्यू, और हम जैसे लोग होते हैं, हम लोगों से अगर 1,000 भी इंक्रीज मांगा जाए तो हम लोग क्या, वो उन पे बहस कर रहे होते हैं कि इतनी करनी है, इतने क्या, ठीक है? ओके, बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद पढ़ेंगे नीचे से, जो आपको बेसिक समझाने की चीज़ से जो मैंने आपको बोला है वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, ठीक है? उसके बाद है मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो कम्युनिकेशन के जरिए से। कम्युनिकेशन चैनल्स में हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि हम लोग टारगेट करते हैं मैसेजेस के थ्रू, रेडियो के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू ही हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट बनाई, बना के उनको इन इन चैनल्स के थ्रू हमने कम्युनिकेट किया कस्टमर को कि इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, ठीक है? ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने अल्टीमेट, आपने कस्टमर के हैंड तक, एट द प्लेस ऑफ कस्टमर आपने वो चीज़ पहुँचानी है, ठीक है, एट डोर स्टेप, उसको आप ये कह लें, ठीक है? और सर्विसेज का मतलब होता है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर की प्लेस पे पहुंचाने के लिए। अब सर्विसेज में बेसिकली क्या आ जाती है, वेयर हाउसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ों को स्टोर करके फिर वहां तक पहुंचाने के लिए, आप ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज हैं वो मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, बैंक्स जैसे कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट की इंश्योरेंस कर देती है, पूरे पूरे गोदाम्स की इंश्योरेंस कर देती है, वेयर हाउसेस की इंश्योरेंस कर देती है, इन केस ऑफ डैमेजेस वो उसको फुलफिल कर सके, ठीक है? ये तीन है मार्केटिंग के, मार्केटिंग चैलेंजेस, ठीक है? ये नीचे आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, जो चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी इसके अंदर नीचे दी हुई है, ठीक है? ये देख लें, मैंने अभी आपको यहाँ से, अभी मैं स्लो एंड स्टडी में मूवमेंट कर रही हूँ, आप इसको एक दफा देखते जाइएगा, ठीक है? उसके बाद आ गया ब्रॉड मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट। अब इसके वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा ब्रॉड, ठीक है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, बन के मतलब सबसे पहले प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनी, फिर उसके बाद आपने उसको क्या किया, कम्युनिकेशन जो चैनल है, जो मार्केटिंग चैनल है उसके थ्रू आपने उसको अल्टीमेट पहुंचाया, तीनों जो चैनल है उनके थ्रू आपने पहुंचाया उसको अल्टीमेट एट द प्लेस ऑफ कस्टमर, ठीक है? फिर उसके बाद कस्टमर ने उसको यूज़ किया, मतलब इस तरह से ये पूरा बेसिकली है कि ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, किस तरह ने, किस तरह से आपने चीज़ को, चीज़ की वो जो रॉ मटेरियल है परचेज करने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक, ठीक है, आपने जो मार्केटिंग की है, ठीक है, जो आपकी सेल उससे इंक्रीज हुई है वो ब्रॉड मार्केटिंग इन्वायरमेंट में आ जाता है। वो बेसिकली इफेक्ट करता है आपके डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स मतलब हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को। डेमोग्राफिक में बेसिकली हमारे आ जाते हैं एज, हमारी क्लास, हमारी मतलब मीन्स जो से हम लोग डेमोग्राफिकली क्या है, मेल है, फीमेल है, हमारी एज क्या है, मीन्स ये डेमोग्राफिक में आ जाता है, ठीक है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जो हमारे इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमी पे क्या उस चीज़ का इफेक्ट होगा, अगर हमारी सेल इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली हमारी पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज होगी। सोशल कल्चरल, कल्चरल के हिसाब से उस प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट है, न्यूट्रल मतलब नेचुरल है, कुदरत से, कुदरती तौर पर बनाई गई है या किसी और तरीके, मतलब वैसे मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बनाई है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल है या नहीं है, पॉलिटिकल लीगल में उसका क्या इम्पैक्ट है, मतलब ये है कि वो छोटे छोटे स्टेप्स मिल के आपस में क्या करते हैं, एक ब्रॉड मार्केटिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। ये मैं आपको नीचे पढ़ के बता देती हूँ। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द टास्क इन्वायरमेंट एंड द ब्रॉड इन्वायरमेंट। द टास्क इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से एक्टर्स, एक्टर्स मैंने आपको कहा ना कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर,
फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, ठीक है ना। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया, सप्लायर भी हो गया, ये जो दरमियान में डीलर भी हो गया, कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने तक, तो ये बेसिकली सारे क्या हैं, एक्टर हैं, जो क्या करते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट बनाते हैं ब्रॉड लेवल पे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दे आर द कंपनी सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड टारगेट कस्टमर इन द सप्लायर ग्रुप आर मटीरियल सप्लायर एंड सर्विस सप्लायर सच एज मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज एंड सो ऑन, ठीक है। दे आर कंपनी सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड टारगेट कस्टमर इन द सप्लायर ग्रुप आर मटीरियल सप्लायर एंड सर्विस सप्लायर सच एज मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। ये आप उसको खुद पढ़ लीजिएगा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ सारा कुछ इसके अंदर वही राइटअप किया हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया कंपनी ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे है, प्रोडक्शन का मतलब कंसेप्ट जो है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट इन द बिजनेस। इट होल्ड्स दैट कस्टमर प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। ऐसे ही होता है, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट मतलब आपको वाइडली अवेलेबल भी हो, एक्सपेंसिव भी ना हो। मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेसेस कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मैस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है वो यही करता है ना कि चीपेस्ट रेट में मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर लिया जाए, ठीक है। जब वो एट अ टाइम मतलब उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी, मशीन उसकी इतनी अच्छी होगी कि एट अ टाइम वो एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके, तो वो कहते हैं उसका कंपनी प्रोडक्शन कंपनी ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रोसेस द कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट ऑफरिंग द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना, क्वालिटी क्वालिटी भी हो, परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो, इनोवेटिव फीचर हो, जदीद किस्म के अच्छे वाले हो। फिर उसके बाद आपने करना होता है सेलिंग, ठीक है। सेलिंग करने के बाद, सेलिंग करने के लिए आपने चीज़ों को प्रोड्यूस कर लिया। अगर आप कहें कि आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक, तो आप उस लेवल तक की सेलिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चाहिए होती है मार्केटिंग, ठीक है। तो आप फिर क्या करते हैं, उसके लिए आप पहले मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने के बाद, जब मार्केटिंग करते हैं, तो आपके सेलिंग लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज। बेसिकली देखा जाए तो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्ट के बाद सेलिंग होनी चाहिए, बट ये जो प्रीवियस ओल्ड मेथड थे हमारे, हम इसी तरह से करते हैं। जब से मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुई, सेलिंग के बाद मार्केटिंग का कंसेप्ट आया, तो उसने क्या किया, जो प्रीवियस सेलिंग थी उसको जो करंट सेलिंग के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसने उसको इंक्रीज कर दिया हाई लेवल तक, ठीक है। अभी नीचे आप देख लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है होलिस्टिक मार्केटिंग है क्या। होलिस्टिक मार्केटिंग बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ फोर 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 आइटम देखा जाए तो, फोर फोर डिपार्टमेंट्स, इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग मतलब है कि डिपार्टमेंटल वाइज मार्केटिंग, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर टेल उसको सेलिंग प्रोसेस, सेलिंग आइटम में सेलिंग, मतलब प्रोडक्ट को इस लेवल तक लेके जाना कि वो सेलिंग तक पहुंच चुकी है, तब तक का जो प्रोसेस होता है वो इंटरनल मार्केटिंग में आता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल थे, मार्केटिंग चैनल्स जो हम पीछे पड़ चुके हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम लोग पीछे पड़ेंगे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब है कि आप जो मार्केटिंग करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको स्लाइड्स में बताने लगी हूँ। उसके बाद है रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। जब आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ओके, जो होलिस्टिक मार्केट है ना, कंसेप्ट है, वो बेसिकली बेस करता है डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोग्राम प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज द ब्रीथ एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। होलिस्टिक मार्केटिंग का मतलब ही बेसिकली ये है कि आप कुछ इस तरह के डिजाइन और स्ट्रेटजीज बनाएं कि जिससे आपका जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है ना, वो इंक्रीज हो जाए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग है क्या, परफॉर्मेंस मार्केटिंग को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ फाइनेंस, ठीक है। क्या करते हैं कि अगर आपकी मार्केटिंग में सेलिंग इंक्रीज हो गई है, ठीक है, सेल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है, तो आप कहते हैं मार्केटिंग स्कोर कार्ड जो है, या आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग टू मार्केट शेयर, कस्टमर लॉस रेट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मीन्स टू से आप जो होते हैं, आप अगर आपकी मैक्सिमम लेवल तक वो आपको फाइनेंस मिल जाता है या आपका सेल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, तो आप कहते हैं मार्केटिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नहीं कर पाते तो आप उसके कुछ ना कुछ रीजन बताते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, ठीक है, इन टर्म ऑफ फाइनेंस मार्केटिंग सेम एज इट इज जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स, फोर पीस, ठीक है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एग्जांपल मार्केटिंग, जब हमने एग्जांपल पढ़ी थी उसमें फोर पॉइंट हमने नीचे पढ़े थे,
प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस, कोई भी चीज आप जब प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में बेसिकली क्या क्या चीज शामिल होती है, प्रोडक्ट की वैरायटी किस तरह की है, क्वालिटी क्या है, डिजाइन फीचर ब्रांड क्या है, उसकी पैकिंग साइज, सर्विसेज वारंटीज एंड रिटर्न्स, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। पर उसके बाद आप क्या करते हैं, करने के बाद आप प्राइसिंग कर रहे होते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट कितने की सेल करनी है। प्रोडक्ट बना के हमें पता चल गया इसमें इतनी इतनी कॉस्ट हर एक आइटम की आई है, ठीक है। अब उसमें करते हैं लिस्ट प्राइस आपने इतनी लिखी, डिस्काउंट कितना देंगे, अलाउंसेस कितना होगा, पेमेंट पीरियड क्या होगा, क्रेडिट टर्म्स क्या होंगे, ठीक है, उधार पे देंगे तो क्या उसके सोचें। फिर उसके ऊपर प्रमोशन चैलेंजेस, मैंने आपको पीछे कहा ना, अभी जैसे हम लोग सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन हुई, फिर प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद सेलिंग हुई। अब सेलिंग करने से पहले मैंने आपको कहा था मार्केटिंग की जरूरत है, ठीक है। अब मार्केटिंग की, सेल प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल फोर्स के थ्रू, पब्लिक रिलेशनशिप के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू, फिर आप अल्टीमेट उसको पहुंचा देते हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, ठीक है, असॉर्टमेंट लोकेशन के खुद जाते हैं, इन्वेंट्री के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के थ्रू, अल्टीमेट टू द कस्टमर, ठीक है। इट्स बेसिकली द मार्केटिंग मिक्स, द फोर पीस, द न्यू फोर पीस जो है, अगर हम लोग देखा जाए, देखें तो वो फोर है, वो क्या है, पीपल प्रोसेस प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। पीपल बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा है प्रोडक्शन में, ठीक है, एंड प्रोसेस हमारा जो हमने पीछे पढ़ा है होलिस्टिक मार्केटिंग में, ठीक है, वो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। नीचे आपको इस तरह से सेम एज इट इज नीचे दिया भी होगा। उसके बाद प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस हम लोग भी पीछे पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम का मीन्स के हम लोग कौन से प्रोग्राम यूज करते हैं उनको अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, एंड परफॉर्मेंस मीन्स इन टर्म ऑफ मनी इसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके नीचे आपको इसके बारे में डिटेल गिवन है, आप इसको बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही चीजें हैं जो मैंने आपको पीछे बता दी हुई है, ठीक है, आपके लिए इंशाल्लाह इजी रहेगा। उसके बाद है मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिकली अब हम इसको वन बाय वन नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम इंशाल्लाह इसको पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान, ठीक है। मार्केटिंग का जो मैंने आपको पीछे अब तक पढ़ाया है बेसिकली ये था मार्केटिंग की बेस है क्या, ठीक है। होप सो आपकी बहुत अच्छी बेस बन चुकी होगी। इसके बाद हम वन बाय वन इन इन जो टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैप्चर मार्केटिंग इनसाइट, कनेक्ट विद कस्टमर्स, build strong brands, shape and marketing offer, deliver value, communicate value, create long term growth, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, होप सो आप इन सबको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं सबसे पहले आके आपको स्लाइड्स दूंगी, ठीक है, आप इसको एक दफा क्लियर कर लें अच्छे से, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी और फिर मैं आपके सीआर से कॉन्टेक्ट करके आपसे फर्दर बात करूंगी। अल्लाह हाफिज़।